हे गाइस, अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। बैंगलोर टू कोलकाता रोड ट्रिप सीरीज का है आज डे 4 एंड हम लोग अभी हैं ओडिशा में। सो थोड़ी देर पहले ही हम लोग आंध्र प्रदेश बॉर्डर क्रॉस करके ओडिशा एंटर किए हैं। उसके बाद ब्रह्मपुर का जो मेन सिटी है उसको बाईपास होके निकल गए हैं एंड अभी का एग्जैक्ट लोकेशन है पथारा। तो यहाँ से ना गोपालपुर बहुत ही पास में ही है। सो गाइज, जर्नी हम लोग काफ़ी एंजॉय कर रहे हैं एंड यहाँ पे रोड्स फिर से 2-वे लेन है। एंड गाइज, और एक चीज़ मैंने पहले भी बोला था कि ओडिशा एंटर करने के बाद ना स्पीड लिमिट को 60 किलोमीटर पर आवर पे ही मेंटेन रखें, क्योंकि जगह जगह पे पुलिस रहती है तो कभी भी चालान कट सकता है। भले रास्ता खाली है तो 60 पे चलना ही बेटर है। सो गाइज, ये वाला एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि इस एपिसोड में हम लोग सबसे इंटरेस्टिंग स्ट्रेच कवर करने वाले हैं। आगे चल के रोड्स बहुत ही सीनिक है, तो बिना स्किप किए वीडियो को पूरा एंड तक देखिए। छतरापुर के लिए आपको यहाँ से लेना है लेफ्ट एंड हम लोग सीधा निकल रहे हैं गंजम की तरफ। तो आज का जो रूट प्लान है वो है गंजम क्रॉस करने के बाद हम लोग रामभा होते हुए फिर बरकुल क्रॉस करते हुए फिर पुरी पहुँचेंगे। तो बीच में एक जगह हम लोग NH-16 को छोड़ेंगे, तो वहाँ पहुँचने पे मैं आपको पूरा डिटेल्स बताऊँगी। सो गाइज, रामभा पहुँचने के बाद ना रोड्स बहुत ही सीनिक है वहाँ पे, प्लस आपको पूरा चिलिका लेक का व्यू मिलेगा। तो वहाँ पहुँच के आपको फिर दिखाते हैं। अभी हम लोग क्रॉस कर रहे हैं रशिकुल्या रिवर। ये रिवर क्रॉस करने के बाद ही आप लोग पहुंच जाओगे गंजम। तो ये जैसे ही ब्रिज खत्म होता है आपको लेफ्ट में साइन बोर्ड दिख रहा होगा गंजम का। तो अभी जो ये लेफ्ट वाला रास्ता है ये गंजम सिटी की तरफ जाती है, हम लोग वो बाईपास होके निकल रहे हैं। गंजम क्रॉस करने के बाद 15 किलोमीटर बाद आएगा रामभा। एंड इसी बीच अगर आप लोग पेट्रोल रिफ्यूल करवा लेते हो तो बेटर है, क्योंकि रामभा क्रॉस करने के बाद 25 किलोमीटर तक कोई पेट्रोल पंप नहीं मिलने वाला है, प्लस वो पूरा हिली रीजन है। भुवनेश्वर है और 140, कटक 159 और कोलकाता है 578 किलोमीटर्स। गंजम क्रॉस करने के बाद आपको मिलेगा रास्ते पे डाइवर्शन। आप लोग राइट पे देख सकते हो कुछ कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, तो यहाँ का थोड़ा सा पैच खराब है रास्ते का।
हम लोग के राइट में है चिलिका लेक। तो पिछले बार जब हम लोग कोलकाता टू बैंगलोर जा रहे थे तो इसी पॉइंट पे रुके थे कुछ फोटोग्राफ्स क्लिक करवाने के लिए। तो इस बार तो इस साइड रुकना पॉसिबल नहीं है, लेकिन हाँ आगे चल के एक पॉइंट है जहाँ पे आपको अच्छा सा व्यू मिलेगा चिलिका लेक का। तो चलिए वहाँ पहुँच के आपसे फिर मिलते हैं। इन द मीन टाइम आप लोग एंजॉय करो ये सुंदर सा लैंडस्केप, और वहाँ दूर है कंटिन्यूअस ईस्टर्न घाट्स। राइट पे है पूरा चिलिका लेक का हिल व्यू। तो सामने थोड़ा सा अगर पार्किंग का जगह हुआ तो कार पार्क करके पूरा व्यू दिखाते हैं आपको। सो गाइज आपके सामने है अमेजिंग व्यू चिलिका लेक का, और जो रोड आप लोग देख रहे हो ये कोलकाता टू बैंगलोर जब हम लोग रोड ट्रिप किए थे तो इसी रोड से बैंगलोर गए थे। एंड अभी जिस रोड पे खड़े हैं ये जाने वाला रूट है कोलकाता की तरफ।
चलिए आगे की जर्नी कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे फोटोज हम लोग क्लिक करवा चुके हैं, प्लस आपको पूरा ब्यूटी दिखा है यहाँ का। अभी का टाइम हुआ है 8:30 और 4 घंटे में हम लोग पुरी तक पहुँच जाएंगे। तो जब तक NH-16 पे रहेंगे तब तक तो रोड्स बहुत ही अच्छे मिलेंगे, लेकिन एक जो स्ट्रेच है ना वो स्टैंडर्ड हाईवे है, वो नेशनल हाईवे नहीं है, तो वहाँ पे थोड़ा ज़्यादा टाइम लग सकता है। बाकी की जर्नी कंटिन्यू करते हैं और रोड का अपडेट तो आपको देते ही रहेंगे बीच बीच में। अभी जब बाहर गए थे ना फ़ोटो क्लिक करवाने, बाहर बहुत ही ज़्यादा गर्मी है। तो चलिए फिर से जर्नी स्टार्ट करते हैं और राइट में है चिलिका लेक, जहाँ तक हो सके मैं आपको पूरा व्यू दिखाऊंगी। बालासोर 301 और कोलकाता है 559 किलोमीटर्स, एंड सामने और एक टोल आने वाला है। तो चलिए चल के देखते हैं ये कौन सा टोल है। तो ये है गुरापल्ली टोल प्लाजा। सामने साइन बोर्ड पे है भुवनेश्वर है सीधा 104 किलोमीटर्स और बालूगांव है यहाँ से और 9 किलोमीटर्स। अभी पीछे जो गुरापल्ली टोल प्लाजा क्रॉस किए वहाँ का टोल चार्ज डिडक्ट हुआ है 100 रुपीज। गाइज और 2 आवर 28 मिनट में हम लोग पहुँच जाएंगे पूरी। तो 103 किलोमीटर्स बाकी है एंड हम लोग के पास से ही पूरा चिलिका लेक है, लेकिन यहाँ से उतना दिख नहीं रहा।